गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आई वेलकम यू इन एसेंट ऑनलाइन क्लास. टुडे वी डिस्कस अबाउट द सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन ऑफ फ्रैक्शन. सबसे पहले अपन एग्जांपल लेंगे 7/8 एंड 5/8. इन दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली एलसीएम आ जाएगा 8. 7-5 यानी हो जाएगा 2/8. फिर नेक्स्ट में इनके अंदर क्या होगा, डिनोमिनेटर अलग अलग है तो क्या होगा, इनका एलसीएम लेंगे आएगा 28. 28 को फिर 7 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम, 9 4 36. देन फिर 28 को 4 से डिवाइड करेंगे 7 टाइम्स, 5 7 35. 36 - 35 करेंगे 1/28. ये आ जाएगा अपना फाइनल आंसर. फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं मल्टीप्लिकेशन. उसमें अगर देखिए न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 8 16, 7 7 49. इसमें देखिए 6/9 × 7/3. तो इनमें देखिए ये दोनों है जो कट रहे थे तो इनको पहले काट लेंगे. 3 1 3, ये 1 टाइम्स कट जाएगा और ये है जो 2 टाइम्स कट जाएगा. 7 2 14 और 9 1 9. अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना डिवाइडेशन. डिवाइडेशन में क्या करेंगे, सबसे पहले जो डिवाइड में वैल्यू है उसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे यानी उल्टा कर देंगे. उल्टा करते ही ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आ जाएगा. अब इनको देखिए दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो इनको ले आइए. पहले ये कट जाएगा 2 से 3 टाइम्स और ये कट जाएगा 4 है जो 2 से 2 टाइम्स. फिर इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए. 7 3 21 और 4 2 8. ये आ गया इनका फाइनल आंसर. ऐसे कैसे अगर अगला फ्रैक्शन है ये 72/65 डिवाइडेड बाय 27/45. तो इनका भी वही सेम रेसिप्रोकल करते ही मल्टीप्लाई में आ जाएगा. अब मल्टीप्लाई में आते ही इनका पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आइए तो ये आ जाएगा 5/3. फिर इनको क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करते ही अपना फाइनल आंसर आ जाएगा 24/13. थैंक यू.